मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 27 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है, अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं, तुम चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है, अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं, तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है, और उत्तर में बाबा कहते, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मर जीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो, यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। ओम शांति। मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय। बच्चों ने गीत सुना, एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में और दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे जिनकी महिमा सुनी और तुम तो अब सम्मुख बैठे हुए हो, कहते भी हैं शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं, नर अथवा नारी, सब हैं भक्त ब्राइड्स, और वह एक है ब्राइड ग्रूम, स्वामी माता पिता। बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो और सब अंधियारे में है, तुम अभी सोचरे में हो, तुम जानते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे, जरूर माता पिता चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ। तुम भी कहते हो कि हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं अर्थात देही अभिमानी बने हैं। बाप तो सदैव देही अभिमानी ही है, वह आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं। तुम जिनकी महिमा करते थे त्वमेव माता च पिता, उनके सम्मुख बैठे हो, भल तुम अपने गांव में हो तो भी सम्मुख हो। बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में, पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है, या तो उनको ही करते हैं ना कि पतित पावन आओ। अभी तो तुम संगम युग पर हो, जानते हो बरोबर हम पतित थे, पतितों को पावन करने वाला एक बाप है जिसको कहते हैं शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते हैं, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित होते हैं, अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं। बरोबर वह विलवेड बाप है ना जिसको आधा गल्प हमने पुकारा है, सत्युग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वह वर्षा गुम हो गया, माया रावण का श्राप लग गया, हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े थे। दुनिया में सब दुखी ही दुखी हैं, दुख के पहाड़ गिरते हैं, तभी बाप कहते हैं कि हम आते हैं, सब पापात्मा बन पड़े हैं, पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं, बाप आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम फिर से बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं, माया ने श्रापित कर दिया है, बाप वह श्राप मिटाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे, यहाँ तो शांति हो ना सके, दुख धाम है ना, हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं, वहां सुख शांति धन आदि सब है। बेहद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हो,
हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है। जबकि भगवान के बच्चे बने हो, वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देता होगा। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाप कहते हैं, 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर गवा दिया। अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। यह तुम जानते हो कि कल्प पहले सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण बने थे, वही धीरे धीरे आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते रहेंगे, बिरादरी बढ़ती रहेगी। ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते हो, बनाते हैं शिव बाबा। तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो, तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। देवताएं कभी हिंसा नहीं करते। तुम जानते हो हम सो देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं। चक्र लगाया देवता कुल से क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए, क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल अथवा वर्ण में आए। हम 84 जन्मों का चक्र पूरा कराए हैं, अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देने। श्राप मिटाकर पति से पावन बनाते हैं। यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं। बाप आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते हैं। यह है संगम युग। अभी सत्युग तुमसे दूर नहीं है, स्वर्ग इतना नजदीक है जितना यह आत्मा का शरीर नजदीक है, बहुत नजदीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु तुम बच्चे अब बहुत नजदीक आए हो। 5000 वर्ष पहले की बात है जबकि स्वर्ग था। आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नरक चला है, अभी स्वर्ग सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, सेकंड में स्वर्ग का राज्य लो। बरोबर तुम जानते हो कि हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप समझेंगे वारिस पैदा हुआ। भल छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता है, परंतु बाप जानते हैं कि यह वारिस है। यह है बेहद का बाप। आत्मा समझती है कि बरोबर हम बाप के बने और वारिस हो गए। बाप भी कहते हैं कि तुम स्वर्ग के वारिस तो जरूर बन गए, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी और कोई प्रजा में आएंगे। मर्तबे तो अलग अलग हैं। बच्चे कहेंगे, हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के। भल भारत में राज्य करते हो, परंतु विश्व के मालिक हो। वहां कोई दूसरा राजा राज्य करने वाला नहीं रहता, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप और बेहद के बच्चे, अब तुम कितने बच्चे हो? तुम कहेंगे, हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाप जैसा मीठा कोई नहीं। बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं, इस दादा ने खुद तो बहुत सुख देखे और बुढ़ापे में आकर संन्यास किया तो क्या हुआ। शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। वह तो कहते हैं कि मैं तो स्वर्ग का सुख नहीं लेता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वह राज्य लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग्य देते हैं। यह तो कहते हैं कि लाडले बच्चे, मैं परम धाम से आया हूँ तुमको राज्य भाग्य देने के लिए। मैं राज्य नहीं करता हूँ, मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने। इसमें भी कितने विघ्न पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने नहीं भगाया था शिव बाबा के पास, तुम भाग कर आते हो। कहेंगे, हम बाबा के पास जाते हैं पूरा वर्षा लेने, सम्मुख जाकर गोद लेते हैं। तुम कहते हो, हमने अब ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पतित दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। यह पांच विकार रूपी रावण ही मनुष्य का बड़े से बड़ा दुश्मन है। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक ही बाप है जिसको शिवाय नमः कहते हैं।
सबका साजन अभी तुम सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा और फिर तुम सत्यों के महाराजा महारानी बनेंगे। साजन आकर लायक बनाते हैं। जानते हो माया रावण ने नालायक बनाया था, अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बनेंगे लायक। श्रीमत है भगवान की, माता पिता भी उनको कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसकी वह महिमा करते हैं उनसे हम पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण कुल बनता है जरूर, फिर दैवी कुल में जाना है जरूर। ब्रह्मा मुख से पहले पहले यह ब्राह्मण चोटी निकलते हैं। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे, रूहानी सेवा करने वाले। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पंडा बनाया हूँ, सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाने। तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ, सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। तुम्हें कोई भी इविल बातें नहीं सुननी है, इविल बातें बहुत नुकसान कारक हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है तो इविल ही सुनाएंगे। बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है और फिर कह देते सर्वव्यापी है। तुम समझा सकते हो, गाते हो, पतित पावन आओ। तुम समझा सकते हो, गाते हो, पतित पावन आओ। फिर सर्वव्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को नास्तिक कौड़ी तुल्य बना दिया है। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प आकर पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, भल कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं तो जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं, कोई नहीं चलते, कोई नहीं जानते हैं, अथाह बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर प्रजा का ही बाप होगा। क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ। लाडले बच्चे मुझे निरंतर याद करो तो तुम पतित से पावन बनते जाएंगे और तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आया हूँ, नरक से स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत बन जाती है। एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास शांति धाम में जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी नयनों पर बिठाकर स्वीट होम में ले जाएंगे। अब तुम भी पंडे के बच्चे पंडे बनते हो, तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति पांडव सेना। हरेक को अपने बाप का परिचय दे, बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो। तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है और औरों को भी देना है। देखो मेरठ से 22 की पार्टी आई है, मेहनत करते हैं, हरेक को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है भगवान अंधों की लाठी तुम। बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं, हम ही इन वर्णों से चक्र लगाकर आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बन फिर सो देवता बनेंगे। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी, यह अलंकार है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं, क्योंकि तुम्हारा स्थाई तो यह पाठ रहता नहीं, इसलिए देवताओं को यह निशानी दे दी है। बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं, कहीं माया का संग न लग जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया जरूर खा जाएगी। बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह है रूहानी यात्रा, तुम भी यात्रा करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए, योग अक्षर निकाल दो, बाप को याद करना है। क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाप कहते हैं अशरीरी बन जाओ,
तुम अशरीरी हो, यहाँ आकर यह शरीर धारण किया है, अब फिर शरीर का भान छोड़ो, मैं वापस ले चलूंगा। मैं कालों का काल हूँ, इस पुरानी देह को भूल मुझे याद करो। यह पुरानी जुत्ती है, फिर तुमको नया शरीर देंगे। पुराने से ममत्व मिटाओ, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तो खुश होना चाहिए कि हम जाते हैं पियर घर। 5000 वर्ष हुए हैं हमने शांति धाम को छोड़ा है, अब फिर हम जाते हैं। यह है दुख धाम, बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। आत्मा जो छीछी बनी है उनकी ज्योति जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे, हम तो श्री नारायण को वरेंगे। बाप कहते हैं, अपना दिल दर्पण देखो, कोई भूत तो नहीं बैठा है? भूतों को भगाते रहो, ताकि भूतों का राज्य ही खत्म हो जाएगा। बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित हैं, वह तो विचित्र है, कोई चित्र नहीं है। दूसरे के ऑर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते हैं, वास्तव में तो विचित्र सब आत्माएं हैं, फिर बाद में चित्र लेकर पाठ बजाती हैं। बाप कहते हैं, मैं इस चित्र व प्रकृति का आधार लेता हूँ, माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो, तब ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बाप को याद कर, बाबा की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। और सेकंड पॉइंट है, देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बाबा ने आज वरदान दिया, अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वस्व त्यागी भव। अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले आप समान सर्वस्व त्यागी भव। सर्वंश त्यागी वह है जिसका संकल्प स्वभाव संस्कार नेचर बाप समान है। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो। संस्कार सदा बाप समान स्नेह रहम और उदारता के हों, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। छोटी दिल वालों को मेहनत ज्यादा सफलता कम होती है। बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहेब राजी रहता है। स्लोगन है, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।